ग्यारह बजकर के 5 मिनट होने वाले हैं। कब तक इजाज़त है? नहीं नहीं, कानूनी तौर पर नहीं, ऐसा ना हो कि बाद में इसकी आवाज़ कम की जाए। क्योंकि अक्सर मेरी तकरीर में आवाज़ कम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी काना अलियन फी दर्जाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बे इबादाती बाकरन फी इल्म अव्वलीन वल आखरीन बे मालूमाती सादिकन फी अख्वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मकामी रवा जवादन कफ़हू इंदल अता हादियन इला सबील नजा अस्करियम मलवला महदियन इला तरीक यकीन गौसल आलमीन मोइन अलमिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलवातुल्लाह व सलामहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه। डेली प्रैक्टिस में अपनी ज़िंदगी में जो हमारे मामूलात हैं, जो तरीक़े हैं, उसी पर आपको दावत दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया किराम हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर हम कहते हैं, जब उनका नाम लेते हैं आदम तो आगे कहते हैं अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी आप कह सकते हैं अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो भी नबी है। लेकिन नबियों की जमात में 1,25,000 नबियों को अलैहिस्सलाम कहने वाले सरकार की जब बात आती है तो लहजा बदल जाता है, रंग बदल जाता है और कहा जाता है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कहता आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपकी आदत बता रहा हूं, आपकी सुन्नत बता रहा हूं, आपका तरीका बता रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम दरूद भेजते हैं हजरत इब्राहिम आले इब्राहिम, मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हजरत इब्राहिम को कहा जाता है न हजरत इस्माइल को कहा जाता है, तो सिर्फ आखिरी नबी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट सल्लल्लाहु। ऐसे ही हमारा दूसरा तरीका है कि हम हर सहाबी रसूल को रज़ी अल्लाह अन्हु, वो बड़ा से बड़ा सहाबी हो, अफ़ज़लुस सहाबा हो, रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके मुकाबले में दर्जे से कम हो। हमारे यहाँ तो सारे वलियों से दर्जा सहाबा का बड़ा है, लेकिन आपस में जमात में कोई छोटा भी हो तो भी रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ा इल्म वाला हो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह,
अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह, वो चाहे ये कहना पड़े हजरत बिलाल रजी अल्लाह। तो 1.25 लाख या 3 लाख 4 लाख जितने भी सहाबा हैं, उन सारे सहाबा को आप कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु। इसीलिए हम सारे सहाबी की इज्जत करते हैं कि जब उनसे अल्लाह राजी हो गया तो मुल्ला क्या बिगाड़ लेगा। बीच बीच में कटिंग भी गौर करते रहो, रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन इसी जमात सहाबा में जब मौला अली की बात आती है तो उन्हें रजी अल्लाह अन्हु भी कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, उनके लिए उम्मत ने फैसला किया करम अल्लाह वजहुल करीम। तमाम आशिकों का इमाम, तमाम फितनों को मिटाने वाला, अपने असर के तमाम खुराफातियों को रास्ता दिखाने वाला हमारा मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा, वो जब खुतबा लिखते हैं तो उसमें भी अली इब्ने अबी तालिब करम अल्लाह वजहु। हर नबी अलैहिस्सलाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु अली करम अल्लाह। कभी सोचा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद साहब अल्लाह राजी, जिससे अल्लाह राजी है हमारा यकीन है राजी, हम उसे भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु, मखदूमे सेमनानी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी है तुम क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन सहाबा के साथ लाजमी तौर पर हमें रज़ी अल्लाह अन्हु कहना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मुतज़ा करम अल्लाह वजहु करम अल्लाह, अल्लाह मुकर्रम करे, क्या मुकर्रम करे, वजह वजह माने चेहरा। ओ अल्लाह मेक डिलाइट फेस ऑफ अली, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द फेस ऑफ अली, फेस इज फेस, एवरीबडी फेस एवरी फेस, ये अली का चेहरा क्या खसूसियत रखता, क्या इंफरादियत रखता कि आपको उनके लिए करम अल्लाह करीम, चेहरे करीम अल्लाह करीम का मुकर्रम फरमाए चेहरे को। यहां ना जात को मुकर्रम कहा जा रहा है, नसब को, दोनों मुकर्रम है, लेकिन ये चेहरे में क्या खास बात है कि पूरी उम्मत करम अल्लाह वजहु करीम कह रही है। सिद्दीक अकबर अफजलुस सहाबा रज़ी अल्लाह, कोई नहीं कहता सिद्दीक अकबर करम अल्लाह, कहते हो तो बताओ। खुतबे में इमाम साहब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह, मैं नाम लूं तुम रज़ी अल्लाह अन्हु कहो, मुझे भी सवाब मिले आपको भी सवाब मिले। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, सबको रज़ी अल्लाह तआला कहने वालों, मौला अली को करम अल्लाह वजह क्यों कहते। आओ मैं आपको चेहरे की बात बताऊं, और ऐसा बताऊंगा कि चेहरे का की तकरीम भी समझ में आ जाएगी और मौला अली की मीलाद भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मौजू मीलाद है, सारे फजाइल बयान करना मुनासिब है लेकिन मीलाद भी उसमें मिला दूं ताकि बयान मुकम्मल हो जाए, जलसा ही मुकम्मल।
वाकया है कि हजरत फातिमा बिन तसर रजी अल्लाह ताला अन्हा पेट से हैं, सजद ऐन शी वाज बिजी इन द तवाफ ऑफ काबा एंड ड्यूरिंग तवाफ ऑन द मुताफ शी फेल्ट सडनली लेबर पेन, परसों पीड़ा महसूस हुई, विलादत का दर्द, डिलीवरी का दर्द महसूस हुआ। तवाफ के दौरान करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, मर्दों की भी भीड़ है। न देखा आओ न देखा टाओ, काबे का दरवाजा खोला अंदर चली गई। कौन रोके, किसकी हिम्मत, क्योंकि जनाबे फातिमा बिन्त असद उसकी बीवी है जो काबे का चीफ ट्रस्टी है, जनाबे अबू तालिब की हरमे मोहतरम किसकी जुरत कि चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, मुतवल्लिए काबा, शेखे बतहा, रहनुमाए अहले मक्का, किसकी हिम्मत कि वो हाथ पकड़ ले। अंदर गई, मौला अली ने वहीं जन्म हुआ, मियादी अली अल्लाह के सबसे बड़े घर में, ये अस्पतालों में पैदा होने वालों अपने को मौला अली की तरह मत समझना। तुम किसी रूम में पैदा होते हो वो अल्लाह के घर में पैदा होते हो। काबा जन्म भूम है मौला अली, ऐसी जन्म भूम ला तो हम भी सुने। लेकिन मौला अली कितने ईमानदार हैं, कभी उन्होंने कहा नहीं काबा मेरा है क्योंकि मेरी जन्मभूमि। समझा करो यार, ऐसा बेबाकी से बोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि अली का घर नहीं बोलेगा तो क्या यजीद का खानदान बोलेगा। आप अच्छी तरह समझिए, और हम लोग भी बहुत ईमानदार हैं, आज तक सऊदी गवर्नमेंट से नहीं बोले। गेट आउट, ये मेरे मौला अली की जन्मभूमि। काश आप भी ईमानदार होते तो झगड़ा ही ना होता। वो मौला अली की बर्थ प्लेस है। कम टू दी पॉइंट, जब मौला अली पैदा हो गए, हिज मदर डिलीवर्ड हिम इन द ग्रेटेस्ट हाउस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तो मौला अली की आंखें बंद हैं, मां को लगा कि शायद ब्लाइंड पैदा हुए हैं, नाबीना, जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं बच्चा अंधा है। लेकिन जब आंखें नहीं हैं, मगर मां ने जब चेहरा देखा तो ऐसा लगता था कि आसमान के सारे सितारों ने अपनी रोशनी को निसावर कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे कहकशां की दिलकशी रुखसारे अली पर सिमट गई हो। फिर भी आंख तो नहीं थी, अपने को समेटा, अली को लपेटा, काबे की अता में से मिला बेटा, घर आई, घर आई, जनाबे अबू तालिब को पता चला कि वो अब्बा बन गए। एक बहुत हुस्नो जमाल लिए हुए बेटा पैदा हुआ, आए, बड़ी खुशी हुई, घर में गए, बेटे को देखा, गोद में लिया, देखा आंखें बंद हैं, बीवी को समझाने लगे, घबराओ नहीं, आंख नहीं है तो क्या हुआ, चेहरा तो देखो, अली का चेहरा तो देखो।
धीरे धीरे यह खबर फैली। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को पता चला भतीजा पैदा हुआ, दौड़े दौड़े आए, चाचा आ रहे हैं, ताया आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, खानदान के लोग आ रहे हैं। एक दो दिन शायद निकल गए। धीरे धीरे ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को पहुंची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नशेमन छोड़ा, सीधे चचा अबू तालिब के घर आए, चची जान से मिली, कहा मुझे मेरा भाई दे, देखना है मुझे। नबुवत का दावा तो किया नहीं था, ऐलान किया नहीं था। उन्होंने कहा मोहम्मद लड़का हुआ तुम्हारा भाई है, मगर अंधा है, नाबीना है, ब्लाइंड है, आंखें महरूम है, आंखों से बीनाई से महरूम लगता है। कहा वो जैसा हो मेरा है। उम्मत को बड़ी तसल्ली हो गई कि बीनाई ना हो मगर उनका हो। तो नबी कहते हैं कोई बात नहीं है, मेरा है तो हम गुनहगार सही, मगर जब नबी कह देंगे उम्मती मेरा है तो तुम हिसाब किताब में रहोगे, हम बेहिसाब बख्शे जाएंगे। आपके ऊपर नारा लगाना बैन। नारा लगाने वाले बहुत, क्योंकि तुम नारा तो बहुत अच्छा लगाते हो मगर रिमोट नहीं है। दीवाना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बस तीन नारा बहुत है, चौथा अली है, वो तो मैं बोल ही रहा हूं। चची ने इशरार देखा कि भाई को देखने की तड़प है, अंदर गई, अली को उठाया और रसूल पाक के दोनों हाथों में दे दिया। जैसे ही नबी ने अली को अपने हाथों में लिया, अली ने आंखें खोल ली। नहीं खोली, माँ आई आंख नहीं खोली, ताया आए आंख नहीं खोली, घर वाले आए सभी आए, सभी आए आंख नहीं खोली, नबी आए आंख खोल दी। जमाने ने जान लिया ये सभी के लिए नहीं, अली सिर्फ नबी के लिए आया। अब मैं अली के इल्म की हद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब अली नबी का इंतजार कर रहे हैं, नबी आए तो आंख खोलूं, नबी आए तो आंख खोलूं, तो उनको पहले ही से मालूम है ये नबी है। सबको बताना पड़ा कि मैं नबी हूं, अली पैदा होते ही जान गए ये नबी है। अब आइए मौला अली, आपके हम गुलाम हैं, एक एक लाख रुपया खर्च करते हैं काबा देखने के लिए। अंदर मिल जाए मौका तो वो भी देखते हैं। 4 लाख, 4.5 लाख, आजकल शायद 5, 5.5 लाख ये हज में जाएंगे, मुताफ देखेंगे, काबा देखेंगे, हजीर अस्वद देखेंगे, हतीम देखेंगे, मकाम इब्राहिम देखेंगे, बैतुल्ला शरीफ देखेंगे। कितना आपके दीवानों का पैसा खर्च हो जाता है? सरकार
आप तो फ्री में काबा देख सकते हैं, अंदर पैदा ही हुए थे, आपने काबा देखने के लिए भी आंख नहीं खोली। हम तो लाख दो लाख खर्च करके देखने जाते हैं, आपको तो फ्री में काबा मिला। उनका काबा अपनी जगह मुकद्दस है, मगर हाशमी समझ काबा खाली नहीं था। काबे में 360 विराजमान थे। काबे में 360 कब्जा जमाए हैं। आंख खोलता तो सबसे पहले वही दिखते। मैं आंख खोलता अपनी अम्मा के लिए भी तो वो भी दिखते। मैं अली हूं अली, जुमला लेना, मैं अली हूं अली, देखने के लिए नहीं, बुतों को हटाने के लिए पैदा हुआ। अब आइए मैं बताऊं, अली का चेहरा दूसरों के चेहरे से अलग अलग। ये नज़र करता हूं नुक्ता आपको, कभी भी आप जुमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नजर है मेरी तरफ से कि अली का चेहरा ऐसा चेहरा था, कैच कर लीजिएगा जुमले को, बहुत कीमती जुमला बोलने जा रहा हूं। अली ही का चेहरा ऐसा चेहरा था जिसने कभी बुतों का सामना नहीं किया। बुतों के चेहरे पर अली का चेहरा नहीं हुआ। ए अली, जब तुम्हारा चेहरा बुतों के सामने से पाक है तो करबलाउल करी। पैदा हुए और उलमा ने यह तदबीर की है, आजाद में सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर हैं, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, बच्चों में ईमान लाने वाले सबसे पहले अली हैं, गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद, यही चार सबसे पहले इस्लाम फैलने लगा। सब लोगों ने मिलकर के चाहा कि इसे रोका जाए। मुख्तसर अर्ज करूं, 13 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही। रसूल पाक ने हिजरत की। आप देखें रसूल पाक को, मक्के में पैदा हुए, काबे की फिक्र नहीं। 40 साल तक रहे, काबे की फिक्र नहीं। नबुवत का ऐलान फरमाया, सारा फोकस लोगों पर, सारी मेहनत लोगों पर, लोगों के दिलों को बदल दो, नजर को बदल दो, फिक्र को बदल दो, खुदा तक ले चलो। फिक्र ही नहीं, काबे में 360 बुद्ध हैं, चिंता ही नहीं। ही डिडंट केयर। सैकड़ों बरस से बुतों का कब्जा, सैकड़ों बरस सरकार तवाफ कर रहे हैं, अंदर भी बैठे हैं, सरकार उमरा कर रहे हैं, भूत अंदर बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो सब अंत है, मेरा खुदा अनंत है। ये तो सब लिमिटेड है, मेरा खुदा अनलिमिटेड है। ये तो सब आकार है, मेरा रब निराकार है। डोंट आई डोंट केयर।
लेकिन जब मक्के से मदीना गए, हिजरत हुई, दूरी हुई, बहुत याद आने लगा। प्यार बढ़ाना है तो दूरी बढ़ाया करो। रोज मियां बीबी लड़ते थे। दुबई चला गया, 2 साल आया नहीं। फोन पे फोन, फोन के जरिए सुकून, मई हो या जून, दूरी ने मोहब्बत बढ़ा दिया। अब वो मोहब्बत का तकाजा यही था, 8 साल के बाद नबी पलटे। हिजरत के दिन जब मक्के से नबी निकले तो 2 नबी और सिद्दीक, ओनली 2। और जब 8 साल के बाद नबी मक्के को पलटे, 50,000 रिजिम बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, न किसी को भूख हड़ताल करनी पड़ी, न किसी को प्रोटेस्ट करना पड़ा, न खून की एक बूंद बाहर हुई, न गोली चली, न गोली मारने के लिए कहा गया। ये है मर्यादा, ये है रसूल की डिग्निटी। ही प्रूव दैट इस्लाम इज द रिलीजियन ऑफ पीस, ये दया का धर्म है, ये क्षमा का धर्म है। सारे 13 साल तक अत्याचार करने वाले सरेंडर होने लगे। अब नंबर आया 360 का। रसूल पाक ने अली का हाथ पकड़ा। अब सिर्फ 2 जा रहे हैं, नबी और अली। मक्के से निकले तो 2 थे, नबी और सिद्दीक। काबे में बुतों को हटाने का जब मामला आया, यहां भी 2 ही हैं, नबी और अली। मैंने या रसूल अल्लाह, इतने बड़े बड़े सहाबा यहां मौजूद हैं, हजरत अली से भी अफजल दर्जे वाले हैं। हाशिमी, ये दर्जे का मामला नहीं है, ड्यूटी का है। यहां दर्जा ना देख कि बड़े दर्जे वाला बाहर है, मफजूल अंदर जा रहा है, ये मत देख, ड्यूटी देख। सरकार क्या ड्यूटी? कहा भाई, ये काबा अल्लाह का घर है तो अली की जन्मभूमि भी तो है, तो अपनी जाए पैदाइश को साफ करने का पहला पैदा होने वाले का है। अली चल, जहां तू पैदा हुआ है वहां पाक कर। और जब काबे को अंदर से पाक करना हुआ तो नबी गए और अली। तमाम नबियों की नुमाइंदगी मेरा नबी कर रहा है और तमाम वलियों की नुमाइंदगी मेरा अली कर रहा है। रसूल ने इशारा कर दिया, दिल पाक करना है तो आप नबी को लाओ, और नबी को न लाओ, दौर न मिले तो अली को लाओ। अली का मतलब वली को लाओ। कल भी वली से दिल पाक हो रहा था, नबी से, उसके बाद वली से। अब जहां वली होगा वहीं पाकी होगी। तो अब अगर आपको अपना दिल पाक करना है तो अली को दिल में लाओ। जिस दिल में मौला अली है उसी दिल में पाकीज़गी है। एक एक बुत को उठा उठा कर उसकी सही जगह पे रखा गया। इस्लाम जुल्म नहीं करता, हर चीज को उसके सही जगह पहुंचाता है। जन्नती को वहां पहुंचाता है, जहन्नमी को वहां पहुंचाता है, जुल्म नहीं करता, सही जगह पहुंचाता। जिसका जो फिक्स प्लेस है वहां रहो, यहां क्यों? एक ऊपर था,
वो खुद ऊंचा नहीं था, भक्तों ने ऊंचा बना दिया। जाहिरी तौर पर हाथ नहीं पहुंच रहा था तो रसूल पाक ने कहा, अली मेरे कंधे पे पैर रखकर खड़े हो जाओ। अब मैं यहां खड़ा हूं और अपने बिरादरे के रामी से कहूं मेरे कंधे पे पैर रखकर खड़े हो जाओ। कैसे मैं खड़ा हूं तो नहीं हो सकते ना, मुझे उकड़ू बैठना होगा। जब मैं नीचे बैठ जाऊंगा उकड़ू तो फिर पैर रखा जा सकता है। तो रसूल पाक जरूर नीचे बैठे होंगे। अली ने दोनों पैर रखा कंधे पर, धीरे धीरे होले होले नबी उठ रहे हैं, अली ऊंचे हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली रसूल पाक खड़े होते जा रहे हैं, अली बुलंद होते जा रहे हैं, नबी उठा रहे हैं, अली उठ रहे हैं, नबी बुलंद कर रहे हैं, अली बुलंद होता हो रहे हैं। आशिकानी अली ने यकीन कर लिया उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। तो जा, अब अपने दादा हुजूर को एक जुमला नजर करूंगा, वो कहीं से भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो बगदादी में सुनते हैं। अपने जद्दे करीम को जुमला दूंगा कि आपको नजर करता हूं कि जब अली का कदम नबी के कंधे पर हो और दुनिया को हैरत ना हो, अली का कदम नबी के कंधे पर दुनिया को हैरत ना हो, तो अली का बेटा अगर बगदाद में कहे मेरा कदम अलियों के कंधे पर है तो क्या हैरत की बात है। एक खुशखबरी, एक इस्तलाह हमारे यहां है पंजतन, पांच टन पंज टन। किसी भी आम सुन्नी से पूछोगे लड़का बोलेगा नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। मगर सुन्नी हो बहुत खुश नसीब हो, तुम सिंगल पंजतनी नहीं हो, डबल पंजतन। एक पंजतन हमें नबी के घर से मिले, नबी के घर से, और दूसरा पंजतन हमें नबी के दर से। न नबी का घर छोड़ेंगे न नबी का दर। सहाबा की जमात डर से बनी है, अहले बैत घर से बने। तो घर वाले पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और दर वाले पंजतन नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। तो बंबई वालों अहले सुन्नत डबल पंजतनी है, इसलिए सिंगल पंजतनी हो हमारा एहतराम करो, हम डबल हैं। पर एक बात बोलूंगा, इसे याद रखिएगा बिरादरे तरीकत, साजिद पठान साहब इसे याद रखिएगा, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। मगर मौला अली
हाशमी आपकी किस्मत पर नाजा है। क्या किस्मत पाई है मौला अली आपने इस पंजतन में भी अली उस पंजतन में भी अली। सहबा की तरफ आपको ले चलूंगा। नबी करीम असर की नमाज पढ़कर आराम फरमाना चाहते थे, थोड़ा वक्त के इंतजार में मौला अली थे। अचानक अली मुर्तजा बैठे हुए थे, रसूल पाक ने अपना सर मुबारक उनके जानवरों पे रख दिया। सरकार ने आंखें बंद कर ली, पहले तो वाकया सुन लो फिर वाकये पर मेरा तबसरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। मकामे साहिबा में रसूल पाक ने जानवी अली पे अपना सर रख दिया। अली असर की नमाज उस वक्त पढ़े नहीं थे, अदबन एहतरामन ताजीमन मौला अली हीले तक है। एक तरफ रसूल का अदब है, दूसरी तरफ असर का फर्ज है। फर्ज और अदब के दरमियान अली मुर्तजा मौजूद है। जब सूरज डूब गया, असर का वक्त खत्म हो गया, तो नमाज ना पढ़ने का दर्द दिल में उठा और आंखों में आंसुओं ने जगह बनाना चाहा। अली ने अपनी आंखों की पलकों के पट भेड़ना चाहा कि आंसू अंदर ही रह जाएं, मगर बेचैन आंसू अली की आंखों से निकलकर रसूल के रुखसार पर गिर पड़े। नबी ने आंखें खोली, पूछा अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया यार रसूल अल्लाह नमाज असर कज़ा हो गई और मैं नहीं पढ़ सका, वही दुख था, नहीं रोक पाया मैं अपनी आंखों को और वो नमाज कज़ा हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आसमान की तरफ रुक करके फरमाया, हे अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। पूछा जमातियों से नमाज पढ़ना का ना पढ़ना कहां की अताअत है, मगर ये अताअत का फतवा किसी मुल्ला ने नहीं रसूलुल्लाह ने दिया है। हे अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। अदब भी अताअत है, एहतराम भी अताअत है, ताजीम भी अताअत है। इसीलिए तो मिलाद चाहे जब हो ताजीम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कहा गया, जानवे अली पे सर रख कर नबी सो रहे, यही तो कहा जाता नबी सो रहे, वो भी कोई सोने का टाइम है, असर के वक्त सोता कौन है? ऐसा परहेजगार अजीमुशान नबी असर के वक्त सोए। जिस सलातुल वसता के कायम करने की ताकीद है सो जाएंगे, न कैलूला का वक्त है न लैलूला का वक्त। ये रावी जो कह रहा है कि नबी सो रहे थे, क्या हक है उसे ये कहने का कि नबी सो रहे थे? क्योंकि सोना तो देख ही नहीं सकते, ये कहना चाहिए आंखें बंद हैं, मैं खड़ा हूं मेरी आंखें बंद हैं, क्या मैं सो रहा हूं? क्या आंखें बंद करके सोचते नहीं? आंखें बंद करके हो सकता नबी सोच रहे हो कुछ? तो ये सो रहे थे रवायत नहीं है, कयासे रावी है कि सो रहे। तो मेरा दिल कहता है लाओ थोड़ा सा, मैं फैजाबाद
जौनपुर लखनऊ गोंडा बस्ती की एक बोली बोलूं। नबी सो रहे थे कि अली का दिल टो रहे थे। ला थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, देखो अली करता क्या है। कहीं परीक्षा तो नहीं थी, टेस्ट तो नहीं था, दिल को टटोल रहे थे तो सो रहे थे या अली का दिल टो रहे थे, करता क्या है। देखें थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करूं, करता क्या है, रहता है या जाता है, असर बुला रही है, मेरा अदब रोक रहा है, आंख बंद कर लो, देखें करता क्या है। मौला अली ने नमाज छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, और बता दिया या रसूल अल्लाह मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, आपको छोड़ के इबादत करते हैं, आपको छोड़कर फजर जोहर असर मगरिब पढ़ते हैं। मैं अली हूं अली, न बंदगी में छोड़ूंगा न जिंदगी में छोड़ूंगा। और मियां आंख बंद करना इम्तिहानी होता है, जनरली आंख बंद करना इम्तिहानी होता है, क्योंकि नबी ने देखा ला थोड़ी देर आंख बंद करूं तो अली का इम्तिहान। नबी ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया, जुमला पकड़िएगा, नबी ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया तो अली का इम्तिहान, और हमेशा के लिए आंख बंद कर लिया सभी का इम्तिहान। गौसे आजम ने आंख बंद किया, इम्तिहान ले रहे मेरे खानदान के साथ क्या करते हैं। गरीब नवाज ने आंख बंद किया, इम्तिहान ले रहे कि अहले सुन्नत मेरी औलाद के साथ क्या करते हैं। अरे दूर क्यों जाते हो। अशरफुल उलमा ने आंख बंद किया, अब देख रहे हैं कि तुम उनकी औलाद के साथ क्या करते हो। ये भी इम्तिहान है आंखें बंद करना। अब हमें तो ये बताया गया था रोया ना करो, तो बड़ी माकूल बात कही गई थी, हमें रोगे आंसू निकलेगा मिट्टी में जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आंसू तर्जुमाने कल्बो जिगर, और मिल जाए मिट्टी में दर्द है तभी आंखों को रोक लो, आंसुओं को रोको। मैंने अली की आंसुओं से पूछा, हे मौला अली की आंसू तुम क्यों रुके। उनका मौका मिला था, हमेशा अली की आंखों में रहता था, अब चांस मिला है अली की आंखों से उतर जाओ, नबी के रुखसार में आ जाओ। या रसूल अल्लाह ये भी तो हो सकता था कि डूबे हुए सूरज को पलटाने के बजाय, डूबे हुए सूरज को पलटाना बोलना बहुत आसान है, जरा इसको ध्यान में रखो, ये दुनिया गोल है, ये सूरज है, अब डूब गया तो इधर अंधेरा इधर उजाला, आधी दुनिया में उजाला है आधी दुनिया में अंधेरा। रसूल पाक ने फिर पलटाया तो जहां उजाला था अंधेरा हो गया, जहां अंधेरा था वहां उजाला हो गया। इतना बड़ा सिस्टम उलट पलट जाए, वो भी सिर्फ एक असर के लिए, क्या ये शॉर्टकट नहीं हो सकता था सरकार की। आप बिलाल हबशी को बुलाते हो, कहते बिलाल अजान दो मगरिब की, धीरे धीरे देना, और अली से कहते तुम अजान का जवाब मत दो, कजा पढ़ लेना, कजा पढ़ लेना। पूरे सिस्टम को उलटने पलटने की क्या जरूरत। हाजिर हो गया मौला अली की बारगाह, अरे सूरज नमस्कार करने आ गया, तुम हमसे सूरज को कैसे नमस्कार कराओगे जब हमारे पीर का नमस्कार वो कर चुका है।
मैंने उस डूबे पलटे हुए सूरज से पूछा, कब डूबोगे? जब रसूल पाक ने उसे पलटाया और नमाज असर के लिए अली खड़े हो गए, मैंने सूरज से पूछा, मिस्टर सूरज अब कब डूबेंगे? शाशा पहले पूछा होता तो मैं बताता, पहले पूछा होता तो मैं बताता कब निकलता हूं कब डूबता हूं, अब तो अली से पूछो इनकी असर कब पूरी होगी। मैं तो नमाज के लिए आया हूं, अब जब तक अली पढ़ते रहेंगे मुझे रहना है। 5 मिनट असर पढ़ेंगे तो मैं 5 मिनट बाद डूबूंगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो 10 मिनट बाद डूबूंगा, पढ़ते रहेंगे मैं ठहरा रहूंगा, क्योंकि मैं सभी के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ अली के लिए। अली की नमाज पर सूरज की नजर, अली नमाज खत्म करे तब डूबू, अली पढ़ते रहेंगे मैं ठहरा रहूंगा, आधा घंटा पढ़े तो आधा घंटा नहीं डूबूंगा, 5 मिनट पढ़े तो 5 मिनट नहीं डूबूंगा। ये सूरज किसी की परवाह नहीं करता, खासतौर से मेरी तो बिल्कुल नहीं करता। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे सब खत्म हो जाता है, यूपी बिहार में तो 12 बजे शुरू होता है, 2-3 बजे जलसा खत्म होता है। अगर मैं सोना चाहूं, हे मिस्टर सूरज 4 बज गया है, 6 बजे निकलते हो, 9 बजे निकलो मेरी नींद हो जाए। शट अप, तेरी नींद हो या ना हो मैं अपने टाइम से निकलूंगा। और ये जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, आला हजरत तसीमुल बरकत ने तो कयामत तक का कैलेंडर बना दिया, तो जब हम कैलेंडर बनाते हैं तो सूरज को देखते हैं, जनवरी में किधर होगा, अगस्त में किधर होगा, टाइम आगे पीछे हम अपनी नमाज का करते हैं। जब भी निजामुल औकात समय सारणी नमाज का टाइम टेबल बनाते हैं तो हम सूरज को देखते हैं, सूरज पर हमारी नजर होती है, किस महीने में कहाँ होगा, तो जोहर इतने टाइम होगा, असर इतने टाइम है, मगरिब इतने टाइम है, वो बदलता जाता है। आप तो मस्जिदों में आते हो, आपको पता है टाइम बदलता है, सारी दुनिया सूरज को, सिद्दीक अकबर सूरज को देखकर 5 वक्त की नमाज, गौसे आजम सूरज को देखकर 5 वक्त की नमाज का बात, गरीब नवाज सूरज को देखकर, अरे सारी उम्मत नमाज का वक्त सूरज देख करके तय करती जमाने की नजर सूरज पर, तो सारी जिंदगी अली खुद सूरज को देखा करते थे, लेकिन जब मुस्तफा पर कुर्बानी हो गए तो सूरज अली को देखने लगा। इसलिए इस अली को दिल में भी रखना है, दिमाग में भी रखना है, सीने में भी रखना है, और उनकी मीलाद मनाते रहना है। और लोग बर्थडे मनाते हैं वो पब्लिक, अली का बर्थडे हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारी शान है। ऐसी महफिल जिसने भी रखी, सालाना रखी, मौला उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। और क्या खत्म कर देते हैं, बस निजाम या कोई खड़ा हो जाए, सलातो सलाम पढ़ ले, या नबी सलाम अलैका, सल्लल्लाहु तआला इंदना
باقر و جعفر و کاظم و رضا کے واسطے، ترخی و سختی جنید پارسا کے واسطے، واسطے ابو بکر شبلی و تمیم ابو الفرا، ابو الحسن و ابو سعید ابا صفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ دولہ اور منور کے لیے، شاہ اخوان اور امین بیریا کے واسطے، سید احمد علی کے صدقے اے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے، مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم، حامد اشرف کو بھی بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد مشتبہ کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بس سراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، اے جہانگیر پیر مخدوم، نرد از درد کس محروم، بار اولاد خیش اشرف، حاکم وقت رابکن محکوم، حاکم وقت رابکن محکوم، پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کائنات فخر موجودات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل، ہم تمام حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے، پروردگار عالم ہمارے تمام دکھ درد کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اے مالک و مولا ہم سب پر رحم فرما کرم فرما، پروردگار عالم ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے، ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے، پروردگار عالم ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، دین دنیا کی لازوال دولتوں سے مالا مال فرما، بہتر دنیا اور بہتر آخرت عطا فرما، سکون اور چین کی زندگی عطا فرما، اس بزم میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا اسے قبول فرما لے، کسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے، پروردگار عالم سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہمیں جو بھی بیمار ہیں مکمل صحت عطا فرما، خاص طور سے پیر و طریقت حضرت علامہ مولانا سید کمیل اشرف اشرفی جیلانی صاحب کو مکمل صحت عطا فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، ان کے سائے کرم کو ہم لوگوں کے کندھوں پہ دادور قائم و دائم رکھو، پروردگار عالم ہم سب پہ رحم فرما کرم فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ لوگ راستہ خالی کرتے ہیں، حضرت کو نکلنے دیں۔